देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पहली बार जब मुझे जानकारी मिली उन्हें तुरंत हम सबको बुलाया। मैं भी था, मेरे सुनवक बोर्ड के चेयरमैन, सियावर बोर्ड के चेयरमैन और तमाम उलमा, जो कई दायरे के लोग, जो लोग जानकार थे, सबको बुलाकर उन्होंने मीटिंग करके उन्होंने तुरंत बात किया। दिल्ली में बात करके समिति में जो जेपीसी में डलवाए, वो मेरे नेता नीतीश कुमार ने डलवा कर उन्होंने कहा नहीं, अभी इतना तत्काल नहीं करना है, इस पर अभी मेम्बरान, तमाम पार्टी के मेम्बरान बन के उससे बातचीत करेंगे, तब जाकर कुछ होगा। उन्होंने रुकवाने का काम किया, बिल्कुल समिति में डलवाने का काम किया। बाद में कई बैठकें हमारे नेता नीतीश कुमार ने हम सबके साथ किया कि मेरे होते हुए ये सब नहीं होने देंगे, जिससे मुसलमानों का नुकसान है। और मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूँ प्रदेश और देश को कि नेता नीतीश कुमार जी जब तक हैं किसी को नुकसान होने वाला नहीं है, वो जब तक हैं ये आपको बताना चाहता हूँ। ये ऐसा जब से संतुष्ट नहीं हम सब हो जाएंगे, वो बिल को पास नहीं करने देंगे। नीतीश कुमार जी इस बात को सबसे उन्होंने कहा भी है कि आप लोग घबराएं नहीं, उसको पूरे जो हमारे जातीय जनता दल यूनाइटेड के नेता लोग हैं, बैठ कर डिस्कशन हो रही है, दिल्ली डिस्कशन हो रही है। और ये कई बिंदु ऐसे हैं जिस बिंदुओं पर मान लीजिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, ऐसे बिंदुओं पर चिन्हित करके नेता नीतीश कुमार ने कहा कि निर्णय लिया जाएगा। इतना आसान नहीं है, मेरे रहते हुए किसी को नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। माइनॉरिटी के साथ मैं बराबर रहा हूँ और माइनॉरिटी के साथ बराबर रहूँगा। आज बिहार के अंदर जो भी काम हुआ है वो माइनॉरिटी का काम कोई और नहीं किया है, ये नीतीश कुमार जी ने किया है। तो नीतीश कुमार जी को प्यार है माइनॉरिटी से, माइनॉरिटी को नुकसान नहीं होने देंगे नीतीश कुमार जी तब तक खड़े हैं। भाई जेपीसी में जो गया है, जो लोग हल्ला मचा रहे उनकी वजह से नहीं ना गया है, जेपीसी में चला गया है। जेपीसी में दलों के राय के साथ साथ देश से भी राय मांगा गया है। और हमको लगता है कि मुस्लिम समुदाय से ज्यादा देश के बहुसंख्यक समुदाय ने भी राय दिया है कि साहब ये देश हित में नहीं है। और ये कहीं से भी दान की जमीन को किसी दूसरे कार्य में नहीं लाया जा सकता, अंडरटेकिंग नहीं किया जा सकता है। गुरुद्वारा है, चर्च है, गिरजा है, मस्जिद है, दरगाह है, मठ है, मंदिर है, ये सब दान की जमीनें आस्था की है ना। तो इस पर जेपीसी में चला गया है और अब जेपीसी में सारे दल के लोग हैं और देश की राय भी आ रही है, जो आएगा देखा जाएगा। बिहार में सर कहा जा रहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकता है, विपक्ष के नेता ऐसा क्या नीतीश कुमार घबराए हैं? नीतीश कुमार आज तक घबराए हैं क्या? किसे घबराए हुए हैं? बिहार में जितना विकास का काम हुआ है और जितनी नौकरी रोजगार मिला है, किसी दूसरे राज्य में हुआ है क्या? तो जो जनता का काम किया है, जो बिहार का डेवलपमेंट किया है, जो विकास किया है, वो चुनाव से डरेगा? वो तो चुनाव का इंतजार करता है। भाई हर 10 दिन पर 5 दिन पर लोग हुकूमत गिराते रहे हैं, क्या हुआ? इसलिए लोग सपना ना देखें। सपना देखना अच्छी चीज है, लेकिन वो सपना देखे जिससे देश का भला हो, राज्यों का डेवलपमेंट हो और रोजगार और नौकरी मिले। प्रशांत किशोर को किस तरीके से देखें? शराबबंदी को कह रहे हैं कि अगर आ गए तो 1 मिनट में हटा देंगे। तैयार बैठी है माँ बहने, स्वागत बढ़िया भयंकर करेंगे।